بسم الله الرحمن الرحيم نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حضرات گرامی زیوکار بزرگو اور دوستو جو آیت مبارکہ خطبہ مسنون اندر پڑھی ہے اس دی روشنی اندر چند ایک گزارشات تے توجہ کیجئے توجہ ہے نا انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو جنہ دی توجہ کوئی نہیں اچھا اصل اندر انہاں دی ہے اڑے باقیاں دے تھلاں سڑنا انہاں دی کوئی نہیں تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ پہلا بھی میں اشارہ کیتا سی جے سمجھ آ جائے جڑے برامدے نے اے بھی اندر آ جاؤ محمود بھائی اندر آ جاؤ قریب قریب ہو جاؤ ٹیک شیک چھوڑ دیو انشاءاللہ سفر میں طویل کر کے آیا تساں تے ایں تھکے بیٹھے ہو جویں تساں کراچی تو آ رہے ہو غور کیجئے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین یقیناً اسا مومنہ تے احسان فرمایا ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان اہل اسلام اور انسان نو بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی نعمت دا احسان ذکر نہیں کیا اگر انسان اور اہل ایمان غور کرے تو یقیناً عقیدہ توحید اللہ تبارک و تعالی دی بہت بڑی نعمت ہے میں کہا کرنا کہ اتنی بڑی اور کوئی رب دی نعمت نہیں ہے جتنی بڑی نعمت عقیدہ توحید ہے مستدرک حاکم اندر حدیث ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی دنیا دا مال ہر شخص نو عطا فرماندے خواہ اس دے نال محبت کرے یا نہ کرے لیکن اللہ تبارک و تعالی عقیدہ توحید دی سمجھ عقیدہ توحید دا فہم عقیدہ توحید دا ادراک اس انسان نو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماندے نے جس دے نال رب دی ذات محبت کر لے گویا عقیدہ توحید سب تو بڑی رب تعالی دی نعمت ہے
इसी तरह पैगंबर की सुन्नत मिल जाना, बिदात तो बच जाना, यह भी रब ताला की नेमत है। कुरान पाक की मुहब्बत का नसीब हो जाना, यह भी रब की नेमत है। हत्ता कि इंसान अगर अपने वजूद की तरफ आए तो आंख भी अल्लाह की नेमत है। इस नेमत की कदर पूछना हो तो किसी नबीने नु पूछिए। कान और उसकी समात भी अल्लाह की नेमत है। अगर इस नेमत की कदर पूछनी हो तो किसी बहरे नु पूछिए। सुबान भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। अगर इसकी कदर पूछनी हुई तो किसी गूंगे नु पूछिए। आवाज़ भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत ने। हाथ भी अल्लाह की नेमत ने। जड़ा इन्हां हत्थां तो मजूर है उसनु पूछिए। टांग और पैर भी अल्लाह की नेमत ने। जड़े पैरां की नेमत तो महरूम ने, जरा उन्होंने इस नेमत की कदर पूछिए। अल गरत के इंसान के पास सेहत अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि नबी रहमत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है, फरमाए सेहत भी इंसान के पास अल्लाह की नेमत है। फरमाए सेहत नू गनीमत जानो, बीमारी दे आने तो पहले पहले अगर इस नेमत की कदर देखनी हो और उसकी कदर नू समझना हो तो जरा जाइए हॉस्पिटल का चक्कर लगाइए। करीब जनरल हॉस्पिटल मौजूद है, नैशनल हॉस्पिटल मौजूद है, दीगर हॉस्पिटल लाहौर शहर अंदर बड़े बड़े मुल्क के हॉस्पिटल मौजूद ने। अगर सेहत की नेमत की कदर पूछनी हो जाके जाइए हॉस्पिटलों का चक्कर लगाइए। बड़े बड़े कड़ियल नौजवान जड़े मौजूद ने लेकिन सेहत तो कासर ने। बड़े बड़े सेहतमंद जिन्हां दी सेहत दा लोग नाम लेके और नाज कीता करदे सन, क्या कड़ियल जवान है, क्या खूबसूरत इसकी सेहत है, क्या प्यारा इसका हुसन है। आज स्ट्रेचर ते बैठते पे तड़प रहे ने, सगे रिश्तेदार भी पहचान ने तो कासर ने। ये ओही जवान है जड़ा बड़े नाजो नखरे नाल सेहतमंद जिंदगी गुजार रहा सी, आज तड़पड़े बड़े बड़े जवान ना जिंदगी मुयसर है ना मौत नसीब हो रही है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बड़िया बड़िया नेमत इंसान के वजूद से मौजूद ने। सुनिए रमजान मुबारक का महीना, यह भी मोमिन वास्ते एक नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने लूट सेल लगाई है कि इसके जरिए नेकी नू हासिल कर लो, इसके जरिए नेकी अंदर इजाफा कर लो। जे समझ ना आए तो मैं इंज समझाया करना, अगर हुकूमत पाकिस्तान ऐलान कर दे कि 3 दिन तुहाडे कोल वक्त है, मशीन असी मुहैया करने, कागजात भी असी मुहैया करने, स्टैंप भी असी मुहैया करने, हर बंदे नू खुली इजाजत है 3 दिन जितने नोट चाहे छाप ले। पाकिस्तान अंदर सब तो बड़ा नोट 5000 दा है। जे हुकूमत पाकिस्तान जो देवे इजाजत भी है, मशीन भी देने, कागज भी देने, इजाजत भी देने, स्टैंप भी देने, समान भी मुहैया। 3 दिन का टाइम है, इन्हां तिना दिनां च 5000 दा नोट सब तो बड़ा नोट है, जिहदा जिन्ना दिल चाहे जिन्हें बनाना चाहे बना ले, छाप ले, उन्हूं इजाजत है। किहड़ा तुहाडे अंदरों जिहड़ा कहेगा भी नहीं मैं नहीं बनाने, की ख्याल है? मनशा साहब वाल जो मैं आवां भी है, मशीन दिती है गवर्नमेंट ने, मशीन भी लै लो, कागज भी लै लो, स्टैंप भी लै लो, तार शार भी लै लो, 5000 का नोट सब तो वड्डा ये बना लो। कि इन्हें आखना भी नहीं को नहीं मैं मैनू जरूरत कोई नहीं, मैं नहीं बनाने। नहीं कि लोड़ है बनाने की, जड़े अगे है ने वही बड़े ने, उन्होंने गुजारा होने दिया। की ख्याल है? थोड़े अंदर कोई ऐडा शरीफ होएगा जो कहे मैं नहीं चाहिए, मैं नहीं बनाने? हर बंदा दौड़ेगा पहले मैनू मिल जाए ताकि कोई एक मिनट भी जाए ना हो। अगर रब ताला ने इजाजत दी है, सेल लगाई है, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया 12 महीने अंदर एक महीना तुहाडे वास्ते नेकियां दी लूट सेल, जिन्नियां जी चाहदा कमा लो। असी तो इन्नी इजाफत कर दी है, असी एक दा सवाब 700 या तो ज्यादा दे रहे हैं, उहदे अल तवज्जो क्यों नहीं? यह जिहड़ा लूट सेल का महीना आया सी, इहदे अंदर असी की कमा लिया? रमजान मुबारक नेकियां कमाने वास्ते अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन रब ताला ने बेशुमार नेमत करने के बावजूद एहसान नहीं जतलाया। वो केड़ी फिर अजीम तरीन नेमत है, केड़ी वो आला तरीन और अरफा तरीन नेमत है जिसनों रब ताला ने अहले ईमान नू अता करके और खास उसका अहले ईमान के साथ जिक्र किया। ये नहीं फरमाया असी काफरों नू नेमत दिती है ता एहसान कर रहे हैं, ये नहीं फरमाया कि असी लोगों नू नेमत दिती ता एहसान कर रहे हैं। उम्मतियां दो किस्मा ने, एक उम्मत अजाबत है, एक उम्मत दावत है। उम्मत अजाबत वो है जिन्हें मुस्तफा का कलमा पढ़ा, आपकी दावत नू कबूल
किया। उम्मत दावत वो है जिन्हें अभी तक पैगंबर का कलमा नहीं पढ़ा, उन्हें अंदर यहूदी भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है, हिंदू भी शामिल है, तो सारी कनात काफर शामिल ने जेड़े उम्मत दावत के अंदर ने और उम्मत अजाबत अंदर वो ने जिन्हें इस्लाम ईमान नु कबूल कर लिया। रब ताला ने उम्मत दावत वास्ते इस एहसान नु जिक्र नहीं किया, उम्मत इजाबत अंदरों खास मोमिनीन दा जिक्र कीता है और इस एहसान दा जिक्र कीता है। वो नेमत उज़्मा केड़ी कुरान फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। तवज्जो है वे, बस सुभान अल्लाह उच्ची को या आस्ता को तवज्जो मेरे रखनी। मैं नहीं तुहानू आखना उच्ची आखो, आस्ता आखो, जोर ला के आखो, हाथ चुक के आखो, जड़ी अपने आप आए उन्हों आन देना इंशाल्लाह, ओदी पाबंदी कोई नहीं। फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल आसफीहिम रसूलम मिन अनफुसहिम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया, फरमाया असी मोमना ते एहसान कीता होवे, अल्लाह पाक ने मोमना ते खास एहसान दा जिक्र फरमाया। फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, रब फरमांदे ने असी मोमना ते एहसान कीता, अल्लाह जी तुसी केड़ा एहसान मोमना ते कीता होवे। फरमाया इज बासफीहिम रसूलम मिन अनफुसहिम, अल्लाह फरमांदे ने असी इन्हां वल रसूल भेजिया होवे, इन्हां दी तरफ रसूल नूं मबूस कीता होवे, इन्हां दीआं जानां दे अंदर ये नहीं फरमाया असी नूरिया अंदरों रसूल भेजा वे, ये नहीं फरमाया असी नारिया अंदरों रसूल भेजा वे, मिन अनफुसहिम फरमाया इन्हां दीआं जानां अंदरों इन्हां अंदर रसूल भेजा वे। तवज्जो फरमाना, मक्का पाक अंदर रहने वाले कौन सन? जे ते नूरी सन ते कोई दलील दी जाइए, जे नारी सन ते दलील दी जाइए। कुरैश कबीले वाले जे नूरी नारी सन कोई दलील पेश की जाइए, कुरैश कबीले वाले अगर नूरी मखलूक अंदरों सन कोई दलील लाइए, मुस्तफा तशरीफ लाए ने कुरैश कबीले अंदर आए ने, बनू हाशिम अंदर तशरीफ लाए ने, आप दे दादा सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने आप सरदार अब्दुल मुत्तलिब दे पोते दी हसीयत ना तशरीफ लाए, नबी अलैहिस्सलाम दे दादा सरदार अब्दुल मुत्तलिब बशर ने, मैं सवाल कीता करना कि सरदार अब्दुल मुत्तलिब मुस्तफा दे दादा बशर ने, फिर मुस्तफा बशर क्यों नहीं? आप दे वालदे मोहतरम सरदार अब्दुल्ला ने अगर ओ बशर ने फिर मुस्तफा बशर क्यों नहीं? आप दी वालदा मोहतरमा सैयदा आमिना ने अगर ओ बशर ने फिर मुस्तफा बशर क्यों नहीं? आप ते ददियाल बशर ने फिर मुस्तफा बशर क्यों नहीं? आप ते ननियाल बशर ने फिर मुस्तफा बशर क्यों नहीं? आप ते चचा सैयदो शहादा अमीर हमजा, आप ते चचा सैयदना अब्बास रजी अल्लाह तआला ओ बशर ने मुस्तफा बशर क्यों नहीं? अगर आप ते ददियाल बशर ने, अगर आप ते ननियाल बशर ने, अगर आप ते वालिद बशर ने, आप दी वालिदा बशर ने, फिर मानना पड़ेगा पैगंबर बशर ने, लेकिन बशर दे सरदार बन के आए ने ता ऐलान आया है। फरमाया कुल इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम, कुल इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम, कुरान पाक दा दूसरा मुकाम फरमाया कुल सुबहान रब्बी, कुल सुबहान रब्बी हल कुंतु इल्ला बशर रसूल। जे समझना है तवज्जो फरमाना, हदीस पाक सहीह बुखारी अंदर मेरे तुआडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई है, नमाज जोहर दी है या असर दी नमाज है? रावी नु शक के जोर दी नमाज है या असर दी नमाज है? जोर दी रकात कितनिया ने? किनिया रकात ए चुप कर गए, दो पढ़ दे। जोर दी रकात कितनिया ने? नमाज जोर दी या नमाज असर दी है? महबूब अलैहिस्सलाम ने चार रकात की बजाय दो रकात नमाज पढ़ाई है। नबी अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरिया ते महबूब अलैहिस्सलाम घर वल चल पे ने, पिछो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आपस अंदर गुफ्तगू जारी है। कुछ सहाबा कहने लगे नबी अलैहिस्सलाम ने आज नमाज दो रकात पढ़ाई है, ते पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए, महबूबा नमाज कब हो गई है या तुसा भूल गए हो? ते कुछ सहाबा कहने लगे नहीं, केड़ी लोड़े पूछण दी, घटी है केड़ा वधी है? घटी है कड़ा वधी है? क्यों पूछना है? लेकिन सहाबा इकराम अंदरों किसे नहीं किया जिवें असीं आने आ, मौलवी भूल गया है, मौलवी नमाज अंदर कोई साफ करदा होना है अपना, जे इमाम लेट हो जाए दो मिनट, मौलवी जी घरों टाइम ना निकल आया करो, उत्थे जनानी को बैठे रहंदे हो, जे सामने ना कह सकीए ते पिछों ओ असीं इमाम दे बारे गुफ्तगू करने अल्लाह दी पनाह।
पूरे मुआशरे बिगड़ चुके हैं, उसी दी इमामत अंदर नमाज है, उसी दे पीछे मुसल्ले ते है, और मुसल्ला रसूल दा वारस है, उसकी इक्तदा अंदर नमाज है, और उसकी चुगली है, उसी दी गीबत है, उदे ते तान जनी है, कोई शक नहीं है, इमाम जरूर है लेकिन मासूम नहीं है, खता उस अंदर मौजूद है, गलती उस अंदर मौजूद है, कायनात अंदर वाहिद शख्सियत अंबिया दी है, जेड़े खतावां तो पाक ने, इमाम अंदर खतीब अंदर गलती हो सकती हो, इंसान ने गलती तो पाक कौन ने फरमाया फकद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन कबल ही फकद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन कबल ही अफला ताकिलून। खतावां तो पाक ने अंबिया और मेरे प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम दा अदब, कुरान दे कारी दा अदब, खतीब दा अदब, आलिम दा अदब कीजिए, जेड़ा मुसल्ला रसूल ते आ रहा वे उनू अल्लाह शान अता कीती है ते उहदा एहतराम कीजिए। तवज्जो फरमाना, नबी अलैहि सलाम दे सहाबा इकराम कितने मुअद्दब अंदाज अंदर ने, आखिर सहाबा इकराम आपस अंदर मशवरा कीता, नबी अलैहि सलाम को पूछिए ते सही ना, एक सहाबी नु तैयार कीता है, जुर्रत किसे अंदर नहीं पै रही, वाह सहाबा तुहाडी अजमत नु सलाम है, वाह सहाबा तुहाडे अदब नु सलाम है, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दे बारे कुतबे हदीस अंदर बसन दे सही अल्फाज मौजूद ने, सहाबा इकराम नजरा उठा के नबी पाक वल नहीं सन वेंदे, इतना अदब इतना एहतराम करदे सन, हत्ता के सुलह हुदैबिया दे मौके ते जेड़े सुलो करन आए सन, सुहैल बिन अमर ने भी जाके इतराफ कीता सी, मुहम्मद मुस्तफा दे सहाबा गुलाम इतना हया करदे ने, ओ ते नजरा उठा के जी भर के मुस्तफा वल वेंदे भी नहीं, अदब दी वजह तो इतना एहतराम, इतनी मुहब्बत, इतना प्यार, इतनी अकीदत, अदबे मुस्तफा अंदर इतना सहाबा आगे निकल चुके सन। तवज्जो फरमाना, नबी अलैहि सलाम दे सहाबा इकराम ने, एक सहाबी ने सैयदना दुल जदैर रजी अल्लाह तआला उन्होंने तैयार किया, तुसी मुस्तफा ना जाके जरा गुजारिश करो ना, सैयदना दुल जदैर रजी अल्लाह तुम चलते आए ने, नबी अलैहि सलाम दे दरवाजे ते पहुंचे ने, दस्तक दी है, महबूब अलैहि सलाम बाहर तशरीफ ले आए ने, सलाम दुआ हुई है, फरमाया दुल जदैर किवें आयो, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसा नमाज पढ़ाई है ते चार रकात दी बड़ाए दो पढ़ा छोड़ियां ने, महबूब जी दसो ना नमाज कम हो गई है या तुसी भूल गए हो, नबी पाक ने फरमाया ऐ दुल जदैन ना ते नमाज कम होई है ना मैं भूलिया वा, आलिमुल गैब जो सो ता फरमाया, आलिमुल गैब से ना ता क्या भी मैं भूलिया भी कोई नहीं ते नमाज भी पूरी पढ़ाई है, तवज्जो है ना, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया फरमाया दुल जदैन ना नमाज कम होई है ना मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूलिया वा, फरमाया महबूब जी दोवां गल्लां अंदरों एक गल जरूर है, फिर तुसी ये दो रकात पढ़ाइया ने, नबी अलैहि सलाम चले दुल जदैन नू नाल लियावे, सहाबा इकराम अंदर पहुंचे ने, मेरे महबूब ने फरमाया मेरे सहाबा असादा का दुल जदैन, फरमाया मेरे सहाबा क्या जुल जदैन सच आंदा वे, जी जी या रसूल अल्लाह दुल जदैन सच आंदा वे, तुसी चार रकात दी बजाय दो पढ़ा दितियां ने, नबी पाक ने फरमाया उठो मेरे सहाबा दो रकात और पढ़िए, दो रकात और पढ़ के महबूब अलैहिस्सलाम ने सजदा सहव कीता ते सलाम फेर आवे, ते फिर नबी पाक ने की फरमाया, फरमाया इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम, फरमाया मेरे सहाबा इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम अनसाकम तनसून, फरमाया मेरे सहाबा मैं भी बशर हां जिवें तुसी भूल जांदे हो एवें मैं भी भूल जाना वा, ते मेरे सहाबा जदों मैं नमाज पढ़ांदिया भूल जावा पिछो सुभान अल्लाह कह दिता करो, क्या मानी महबूबा तुसी भूल गए हो अल्लाह भूलण तो पाके, सुबहान अल्लाह अल्लाह पाके महबूबा तुसी भूल गए हो अल्लाह भूलण तो पाके, वा मा काना रब्बू का नसीया, रब नहीं जे भूलदा, नबी अलैहि सलाम ने की फरमाया मैं बशरा ता भूल गया वा, कुरान फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज बअस फीहिम रसूलम मिन अनफुसहिम, मुस्तफा आए ने इन्हां दियां जानां अंदरों, एक मौलवी तकरीर कर रहा था कहण लगा नबी पाक बशर नहीं हो सकते, जे बशर ने तो फिर मैनु एक मौलवी जवाब दे बशर होके आसमान ते किवें टुर गए, बशर होके आसमान ते को नहीं जा सकता, मैं कहा हजरत जी कोई शक नहीं बशर होके आसमान ते कोई नहीं जा सकता, तो कहना फिर नबी पाक गए नहीं, मैं कहा जी गए ने, फिर तुसी आंदे हो नबी पाक बशर ने नाले आसमान ते गए ने ते नाले आप ही आंदे हो बशर होके आसमान ते कोई नहीं जा सकता, या बशरीयत दा अकीदा छोड़ दो ते या फिर मौजदा मिराज दा इनकार कर लो, मैं कहा साडे नजदीक मुस्तफा बशर भी ने मौजदा मिराज हक भी है, कहन लगा दो चीजा इकट्ठियां किवें चल सकदियां ने, नाले आंदे हो बशर होके आसमान ते कोई नहीं जा सकता,
मैं क्या हजरत जी 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 बशरों के समान ते नहीं जा सकता ऐ साडा अकीदा ऐ साडा भी यही अकीदा बशरों के समान ते को नहीं जा सकता। मैं क्या जी हजरत जी बशरों के समान ते को नहीं जा सकता है नहीं जा सकता मैं नहीं जा सकता। फिर नबी पाक नूरी होए ना मैं क्या नहीं ए नबी पाक फिर बशर ने मैं जी बशर ने फिर आसमान ते बशर किवें चला गया तुसी आप ही तो फरमाते हो बशर होके आसमान ते कोई नहीं जा सकता। मैं जी जी हजरत जी तुहाडा भी यही अकीदा है जी साडा भी अकीदा है ये बशर होके आसमान ते कोई नहीं जा सकता। मैं साडा भी यही अकीदा बशर होके आसमान ते कोई नहीं जा सकता ए फिर आप अकीदे अंदर एक हो गए। मैं जी अलहमदुल्ला आप एक हो गए ए फिर मुबारक हो। मैं लेकिन एक गुजारिश करो एक गुजारिश है उन्होंने मान लो है की है। मैं क्या तुसी फरमाते हो बशर होके आसमान ते को नहीं जा सकता असी भी आने बशर होके आसमान ते को नहीं जा सकता। तुसी आंदे मुस्तफा नूरी ने असी आने बशर हाँ कुरान भी आंदा है बशर है हदीस भी आंदी है बशर है ए बशर होके आसमान दा साडा मैं साडा भी यही अकीदा बशर होके आसमान ते को नहीं जा सकता। लेकिन एक अगली गल भी करो वो केड़ी है मैं क्या कवो अल्लाह नहीं ले जा सकता बशर होके आसमान ते कोई नहीं जा सकता। लेकिन मौलवी जी कवो ना अल्लाह नहीं ले जा सकता है नहीं नहीं अल्लाह तो ले जा सकता है तो मैं असी कदों आखे मुस्तफा आप गए ने असी की आने सुभान अल्लाजी असरा बिअब्दिही असी कदों आने अब्द आप गया वे असी की आने अब्द नूं अल्लाह लै गया वे। मैं क्या मौलवी जी बशर होके आसमान ते कोई नहीं जा सकता पर जे अल्लाह ले जावे तो कोई मौलवी रोक नहीं दे सकता मानना पड़ेगा। लकद मन अल्लाहु अलल मुमिनीन मुस्तफा दी बेसत हक है आप दी आमद हक है आप दा दुनिया अंदर रसूल दी हसीयत ना तशरीफ लियाना हक है। आप आए ने आप दी बेसत हुई है लेकिन इंसान अंदरों आए ने गौर करना तवज्जो फरमाना सरकार की आमद मरहाबा मंठार की आमद मरहाबा मक्की मदनी की आमद मरहाबा दिलदार की आमद मरहाबा कोई शक नहीं लेकिन सरकार आए किन अंदरों ने बशर दे अंदरों लेकिन अफजलुल बशर बन के आए ने आप आए बशरियत दे अंदरों ने लेकिन शान मुकाम की पा के आए ने। फरमाया आलम नशरह लका सदरक ववदअना अनका विजरक अल्लजी अनका ज़हरक वरफअना लका जिक्रक। आप आए बशरियत अंदरों ने लेकिन मुकाम किया लकद जाअकुम रसूल मिन अनफुसकुम अज़ीज़ुन अलैहिम अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। आप आए बशर अंदरों ने लेकिन आप दा मुकाम की है। फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन मुकाम शान की पाया है। फरमाया या अय्युहन नबीयो या अय्युहन नबीयो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आप आए बशर अंदरों ने लेकिन किस मुकाम ना लाए ने। फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा लितुमनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। आप आए बशरियत अंदरों ने लेकिन मुकाम की पाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इन्कुस मिन्हु कलीला औज़िद عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا। आप आए बशरियत अंदरों ने लेकिन मुकाम की पाया। फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर मुकाम की पाया। फरमाया वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीका
ولا سوف يعطيك ربك فترضى آپ آئے بشریت اندروں نے لیکن مقام کیے فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى وانك لعلى خلق عظيم فرمایا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم میں کدے کدے انج بھی سمجھانا میں کہنا کلمہ کیڑا پڑھ دیو مسلمان ہون واسطے کلمہ کیڑا پڑھ دیو اے اشہد اللہ الہ الا اللہ اگے کی ہے پڑھو پڑھو جان چھٹن لگی ہے تواڈی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن اچھی پڑھو اشہد ان محمدن نہیں نہیں اب تے آکھنا توہین ہے یا تے پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن نورہ کی خیال و رسولہ آج تک کوئی مولوی جرت کرے پڑھائے اپنی قوم نو اشہد ان محمدن نورہ و رسولہ کیوں نہیں پڑھاتا کہ لوگ نہیں مانیں گے لوگ جان چکے ہیں کلمہ اسلام یہ نہیں کلمہ اسلام کیا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ میں نہ بندہ اسلام اس وقت تک قبول نہیں کر سکتا جب تک پڑھ نہ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ حضرت جی ادو تک بندہ اسلام جو داخل نہیں ہو سکتا جب تک اہل حدیث تاقیدہ قبول نہ کر لے قل انما انا بشر مثلکم جب تک عقیدہ اہل حدیث قبول نہ کرے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آپ دی آمد حق ہے آپ دی بعثت حق ہے بشریت اندر آئے نے لیکن آمد مصطفیٰ ہوئی کس واسطے وے یتلو علیہم آیاتہ آپ آئے نے کائنات دے اندر قرآن دی آیات نو تلاوت فرمانے واسطے آیات قرآنی آیات الہیہ پڑھنے واسطے مصطفیٰ تشریف لے آئے نے یتلو علیہم آیاتہ آپ آئے نے قرآن پڑھنے واسطے قرآن تلاوت کرنے واسطے سنو اگر چاہندے ہو بشریت مصطفیٰ نو سمجھنا چاہندے ہو تے قرآن پڑھیے آمد مصطفیٰ دا مقصد سمجھنا چاہندے جے قرآن پڑھیے کوئی شک نہیں سرکار دی آمد مرحبا حق ہے لیکن مرحبا او دے واسطے وے جڑا آمد دا مقصد سمجھ آوے مقصد آمد مصطفیٰ دا گلیاں اندر نکلنا نہیں ہے ڈھول بجانا نہیں ہے موسیقی اور ساز اور گانا اور ناچ نہیں ہے راستے بلاک کر کے امت رو پریشان کرنا یہ آمد مصطفیٰ دا مقصد نہیں ہے آمد مصطفیٰ دا مقصد کیا ہے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ پیغمبر آئے قرآن دی آیات پڑھنے واسطے آج بھی جڑا پیغمبر دی رسالت نو بعثت نو حق مند ہے اس تے لازم ضروری ہے وہ قرآن دی آیات نو پڑھے تاکہ اس نو محمد مصطفیٰ دی رسالت بعثت دا مقصد سمجھ آئے آل سنن آل حدیث تاکید ہے مصطفیٰ کائنات اندر تشریف لائے نے رب دے قرآن نو امت تک پہنچانے واسطے اور اپنی حدیث نو امت تک پہنچانے واسطے آئے یتلو علیہم آیاتہ آیات قرآنیاں پڑھنے واسطے آئے قرآن پڑھئے قرآن لوگاں دے دلانو صاف کرے گا قرآن پڑھئے گمراہی دور ہو جائے گی قرآن پڑھئے شرک دی نجاست دھل جائے گی قرآن پڑھئے بدعت دی نجاست دھل جائے گی قرآن پڑھنا تسی شروع کر دو اللہ شرک و بدعت تو بچا کر کے تو پیغمبر دی سنت اور جنت دا راستہ عطا کر دے امت نو قرآن نال جوڑیے گزارش کیجئے ہر فرد و بشر تاکہ اللہ دے بندو قرآن پڑھئے اس نو ترجمہ نہ پڑھئے جدو لوگ پوری سمجھداری نہ ترجمہ نہ قرآن پڑھنا شروع کرن گے اللہ انہوں حق دا راستہ عطا کر دے کہاں یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے سن جس بندے اندر تعصب نہ ہوئے نفرت اور حقارت اور ضد اور تعصب چھوڑ کے فرمایا کردے سن بندہ میرے کو لے آؤ او دے اندر تعصب نہ ہوئے ایک رات کنی دیر صرف ایک رات
एक मौलवी का क्लिप वायरल होया, वह भी कहता एक रात सुने आज ना, वो अपने किसी मुक्तदी को तंग से आता मैं बड़ा तंग आया एक रात ही ना, मैं फिर नीयत की थी 100 नफल की, आता जे 97 96 97 नफल ही पढ़े सन, बूआ खड़किया वो बाबे रशीद के मुंडे ने खड़काया, तो मैं पूछा कौन है आए मौलवी जी, बाबे रशीद का मुंडा, मैं क्या अजय नमाज का टाइम नहीं आया मौलवी जी, बूआ ना खोले गल सुन लो है कि उन्हें जो फजर की अजान को ऐलान कर दो बाबा जी का फौत हो गया। वो फिर मौलवी आंदा कहिंदा जिहड़ा मुक्त दी जिहड़े मौलवी नूं तंग करन बस एक रात, एक रात कहिंदा 100 नफल पढ़ो वो लगा जाएगा। अल्लाह दे बंदो मुक्त दी मरण वास्ते तो नहीं, इन्हां नूं इस्लाह करके मुहम्मद मुस्तफा दे गुलाम बना के जन्नत दा रास्ता अता कर दो। शेखुल कुरान रहमतुल्लाह फरमाया करदे सन, फरमाया एक रात बंदा मेरे पास ठहरे मैं सारी रात उसनू रब दा कुरान पढ़ के सुनावांगा भी समझावांगा भी, सुबह तक बंदा तौहीद ना समझ जाए तो मैनू शेखुल कुरान ना कहना। शरत तअस्सुब दी ऐनक उतार के बैठे, आज भी साड़ी दावत है साड़े करीब आइए कुरान दा पैगाम सुनिए। फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इस बात फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलु अलैहिम आयातिही। कुरान पढ़िए, कुरान की वजह तो अल्लाह जिंदगी अंदर बहार पैदा करेगा, कुरान पाक पढ़ने की वजह तो अल्लाह अंदर नूर पैदा करेगा। सुनो जरा पैगाम, अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हारी नस्ल अंदर खैर पैदा कर दे फिर रब दा कुरान पढ़िए, अगर चाहते हो अल्लाह औलाद नू नेक बना दे फिर कुरान पढ़िए, अगर चाहते हो तुम्हारियां बेटियां बाहियात ते बाकिरदार बन जावन फिर अपनियां बच्चियां नू कुरान पढ़ाइए, अगर चाहते हो घर अंदरों नहुसत धुल जाए, ऐ जी साडे घर अंदर कपड़े कट्टे जांदे ने, कोई आंदा पैसे निकल जांदे ने, कोई आंदा खून दे छिटे आंदे ने, कुरान नू तुसीं छोड़िया तां जलालत अंदर असीं पहुंच गए हां, कुरान नू छोड़ करके असीं जलालत गुमराही ते परेशानियां साडा मुकद्दर बन गईयां ने। अज कुरान पढ़िए अल्लाह तुहाडी जिंदगी अंदर सुकून अता कर देगा, क्यों कुरान दा ऐलान है अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। रब फरमांदे ने खबरदार अल्लाह दे जिक्र अंदर तुहाडे दिलां दा सुकून है, अगर सुकून इत्मीनान चाहुंदे हो कुरान पढ़िए। पैगंबर कुरान पाक दी तिलावत करने वास्ते तशरीफ ले आए ने, एक दुआ हदीस ते तवज्जो फरमाइए और मैं अपनी बात नूं इख्तिताम दी तरफ लेके आवां। कुरान पाक पढ़िए, अल्लाह दुनिया आखिरत अंदर खैर अता करेगा, अल्लाह दुनिया अंदर सुकून ते सकीनत अता करेगा। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमांदे ने, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जदों लोग किसी जगह ते इकट्ठे होंदे ने कुरान पढ़ने वास्ते, कुरान पाक नूं समझने वास्ते, कुरान पाक नूं समझाने वास्ते, नबी पाक ने फरमाया नाज़लत अलैहिम सकीना, अल्लाह पाक आसमान तो उन्हां ते रहमत नाज़िल कर दिंदा वे, वगशियत हुमुर रहमा अल्लाह दी रहमत उन्हां नूं ढांप लैंदी है, वहफत हुमुल मलाइका अल्लाह दे नूरी मलाइका उन्हां बंदियां नूं अपने घेरे अंदर लै लैंदे ने, नबी पाक ने फरमाया वज़ाकरहुमुल्लाहु फीमन इंदहु, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला अपने अरश ते उन्हां बंदियां दा अपने फरिश्तियां अंदर जिक्र करदा वे। यार सलाम है उहदी अजमत नूं जिहड़ा मुहम्मदी मस्जिद अंदर बैठ के कुरान पढ़े, जिहड़ा वाल्टन अंदर बैठ के पीर कलोनी अंदर बैठ के कुरान पढ़े ते अल्लाह अपने अरश ते उहदा जिक्र करन दी अजमत नु सलाम है, ये सलाम ता नसीब होएगा। यतलु अलैहिम आयातिही, कुरान पाक दी तिलावत कीजिए, अल्लाह जिंदगी अंदर सुकून पैदा करेगा, अल्लाह रहमत ते बरकत ते फरिश्तियां दा प्रोटोकॉल नसीब करेगा, कुरान पढ़िए दी वजह तो अल्लाह बहार अता करेगा, कुरान पाक नु पढ़ने दी वजह तो अल्लाह इज्जत ते मुकाम अता करदा जे जे समझना है ते रवायत ते तवज्जो फरमाना। हदीस पाक सहीह बुखारी दे अंदर मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने सैयदना अमर बिन सलमा रजी अल्लाह तआला ओ बयान फरमांदे ने, फरमांदे मैं छोटा जिहा बच्चा सा, साडे कबीले दे करीब मीठे पानी दा ठंडे पानी दा कुआं मौजूद सी, नबी अलैहि सलाम दे सहाबा इकराम पानी भरन वास्ते आंदे सन, जदों सहाबा पानी भरन वास्ते आंदे ते सहाबा इकराम कुरान दी तिलावत कीता करदे, अमर बिन सलमा फरमाते ने मैं कुरान पाक की तिलावत सहाबा को सुनता रहा छोटा जहा बच्चा सा, साडे बच्चे गाने सुनते हैं क्योंकि मुसलमाना दे जो बच्चे ने, अमर बिन सलमा फरमाते उदो अजे मेरा कबीला ते मेरे वालदैन मुसलमान नहीं सन होए, मैं काफरां दा बच्चा सा, काफरां दा बच्चा कुरान सुन के याद करे ते मुसलमाना दे बच्चे गाने सुन के याद करन, वाह कैसे असी मुसलमान हाँ, काफरां दा बच्चा हो के कुरान सुन के याद करे ते साडे मुसलमाना दे बच्चों अपने मुस्तफा दे सिफाती ना
نام یاد کوئی نہیں، رب تعالیٰ دی ذات دا نام یاد کوئی نہیں، رب تعالیٰ دی صفات دی نام یاد کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ دی ازواج دے آپ دی بنا دے، آپ دے بیٹیاں دے، آپ دے صحابہ و صحابیات دے نام یاد کوئی نہیں، مسلمانہ دے بچیاں نوک گندیاں کنجران دے، اینا ایکٹران دے، اینا گلوکاراں فنکاراں دے، اینا مادلان دے، سارے نام یاد نہیں، واہ کیسے ایسی مسلمانہ، اگر حقیقی مسلمان بننا چاہندے دے، اپنی اولاد نو قرآن یاد کروائیے، اگر حقیقت اندر مومن بننا چاہندے دے، اپنی اولاد نو قرآن یاد کروائیے، عمر بن سلمہ فرماندے میں چھوٹا جا بچہ سا قرآن پاک سندا رہا تے یاد کردا رہا ہاں، فرماندے نے میرے قبیلے والے اسلام قبول نہ کیتا، میرے قبیلے والے کہندے سن اگر نبی محمد رسول اللہ سچے نبی نے تے پھر ایک وقت آئے گا تے اپنی قوم تے غالب ہو جان گے، مکہ والیاں تے غالب ہو جان گے، اگر تے اپنی قوم تے غالب ہو گئے پھر تے اسی مناں گے اللہ دے سچے رسول نے، تے جے غالب نہ ہو سکے تے دم وانیے انہاں دی نبوت رسالت نہ اعوذ باللہ حق کوئی نہیں، فرماندے وقت آیا نبی علیہ السلام مکہ پاک نو فتح کر لیا وے، پھر میری قوم والے لوگ بھی نبی علیہ السلام کو آئے نے آ کے کلمہ پڑھیا اسلام قبول کیتا وے، فرماندے نبی علیہ السلام نے دین اسلام دی تعلیمات سکھلا چھوڑیاں نے، جدوں واپس جان لگے ہاں نبی علیہ السلام نو ساڈے قبیلے والے میرے والدین کہنے لگے محبوب جی اسی نماز پڑھنی ہے لیکن نماز دی سانو امامت کون کروائے گا، نبی علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا جڑا چودھری ہوے او امام بن جاوے، جڑا سردار ہوے او امام بن جائے، نہیں نبی علیہ السلام نے بلکہ کی فرمایا، فرمایا قبیلے اندروں امام او بنے گا جنوں قرآن زیادہ یاد ہوے، تو آڑے اندروں امام او پڑے گا جنہوں قرآن پاک زیادہ یاد ہوئے، ایک قبیلے والے کہنے لگے محبوب جی آسان سے آج اسلام قبول کیتا ہے سانو اجے قرآن پاک کتوں یاد ہے، عمر بن سلمہ فرماندے نے میری عمر چھے یا سات سال دیئے، میں چھے سات سال دا بچا ماں میں قریب بیٹھا ماں، میں کیا محبوب جی میں نو قرآن پاک دی فلان صورت بھی یاد ہے، فلان صورت بھی یاد ہے، فلان فلان آیات بھی یاد نے، ایک قبیلے لینا دے والدین کہنے لگے یا رسول اللہ اساں تے اج اسلام قبول کیتا وے سانو قرآن یاد کوئی نہیں، اے ساڈا بچہ ہو کے اینو قرآن کتھوں یاد ہوئے گا، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر بن سلمہ دسو بچے تہانوں قرآن کیویں یاد ہے، فرمایا محبوب جی میں چھوٹا جا بچہ ہوندا سا میں کنویں دے قریب کھیلیا کردا سا، تہاڈے صحابہ پانی بھرنے واسطے آندے سن، صحابہ کرام قرآن دی تلاوت کیتا کردے سن، میں تہاڈے صحابہ کو قرآن سندا رہیا تے یاد کردا رہیا ہاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے قبیلے والے چودھریو سردارو تسی سارے مقتدی ہوو گے، اچھے سات سال دا بچہ عمر بن سلمہ تواڈا امام ہوئے گا، امامت مل دی ہے قرآن پاک دی وجہ تو، مصلی رسول مل دا قرآن پاک دی وجہ تو، سمجھنا ہے تے حدیث صحیح مسلم تے غور کرنا، سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرما دے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے اندروں امام قوم دے اندروں او بنے گا، امام او بنے گا قبیلے اندروں قوم اندروں جماعت اندروں امام ہو بڑھیں گا جنہوں قرآن پاک زیادہ یاد ہوئے گا، وقت دا چودری تے سردار تے ایم پی اے تے ایم این اے تے منسٹر تے وزیر اعلیٰ تے وزیر اعظم تو کرنل جرنل تے برگیڈیئر بھی آ جائے مسجد اندر نماز لی آئے گا تے مسلے تے نہیں آ سکے گا، کوٹیاں تے بنگلے تے کاراں تے فیکٹریاں تے ملاں تے مال و دولت اے دی بنیاد تے شان نہیں جے ملدا، اے بڑے تو بڑے مالدار تے بڑے عہدے والے بھی مسجد اندر آ جاون، دوجے بنے محلے دے سب تو غریب دا بیٹا ہوئے برادری دا کم تر کیوں نہ ہوئے تو دا باپ 500 دھیاڑی کیوں نہ کماندہ ہوئے لیکن انہوں قرآن یادے کروڑا تے عرباں والے تے بڑے بڑے کوٹھیاں بنگلیاں والے بڑیاں برادریاں والے وہ مقتدی ہونگے، غریب دا بچہ قرآن یاد کرنے دی وجہ تو قرآن پاک دے علم دی وجہ تو مسلے دا امام ہوئے گا، امامت مل دیئے قرآن پاک دی وجہ تو، سمجھنا ہے تے توجہ فرمانا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد، محبت نہ درود پڑھیے پیار نہ درود پڑھیے، آمد مصطفیٰ دا مقصد ہے آیات قرآنیاں پڑھنا، اور آیات قرآنیاں پڑھو گے تے اللہ مقام عطا کرے گا، نبی علیہ السلام دی پیاری بیوی صدیقہ کہنات اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے، اما جی فرماندیاں نے ایک دن میں عشاء دی نماز نبی علیہ السلام دے پیچھے ادا کیتی ہے، کتے کیتی ادا نبی علیہ السلام دے پیچھے مسجد اندر، ایس رمضان دے شروع جنا میں نو اعتکاف جو بین اسی آخری عشرے دے ابتدا چا اینڈ تے فون آیا دوجہ عشرہ مکن آڑا سا ایک خاتون دا کاری صاحب کیا آلے میں کہا جی ٹھیک اے جی پلا عورت اعتکاف بین آستے مسیطے جا سکتی ہے میں کہا جی بزار نہیں جا سکتی توجہ ہے
कारी साहब तुसी सवाल नहीं समझे। मैं कहा जी बहन मैं समझ रहा हूँ, तुसा फरमा रही हो कि औरत एतकाफ बैठने के लिए मस्जिद जा सकती है, है जी ऐ ही मेरा सवाल है। मैं कहा मेरा जवाब भी आई है, बाजार में नहीं जा सकती है, क्या माने सवाल नहीं समझे तुसी। मैं कहा समझ रहा करो सवाल, औरत एतकाफ बहन मस्जिद जा सकती है। मैं कहा जी जी बाजार नहीं जा सकती है, क्या मानी। मैं बाजार जावन लगिया मौलवियों पूछ के जा दिया हो, बाजार को रसूलुल्लाह ने बुरी जगह करार दिया, वहां जाने के वक्त तो तुम अपने खामत से नहीं पूछती, महरम रिश्तों से नहीं पूछती। मस्जिद जो पकीदा जगह है, जिसके बारे में कुरान ने कह दिया वह अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, इत्तेकाफ की जगह मस्जिद है, वहां आने के लिए बैठने के लिए नेकी इबादत के लिए मौलवियों से मजले पूछती हो। बाजार में जाती औरत जो अकेली, जिसका खामद जिंदा है, भाई जिंदा है, बाप जिंदा है, जिसका बेटा जवान जिंदा है, जाए बाजार में वो औरत अकेली सौदा सलफ लेने, खरीदो फरोख्त करने, जिसके महरम रिश्ते मर गए हो, जिसके महरम रिश्ते मौजूद हो जिंदा हो, वो औरत अकेली बाजार में जाए, जाके दुकानदार से गप चप करे, सौदे का रेट तय करे, और फिर वहां बैठ करके नंगे मुंह बैठ के उसके साथ रेट तय करे, और फिर आके के मैं सौदा सस्ता ले आनी आ महंगा मिलता है, मैं ना कोई शक नहीं इन 200 सस्ता मिला होएगा, लेकिन 200 पीछे गैरत नहीं रही, हया नहीं रही। 200 क्या 400 महंगा सामान कबूल है, लेकिन इज्जत गैरत और हया का सौदा करना कबूल नहीं है। जिसको बाप का लाया हुआ पसंद नहीं है, भाई का लाया हुआ पसंद नहीं है, शौहर का लाया हुआ पसंद नहीं है, वो किस पसंद को चाहती है। पाबंद कीजिए, हया और गैरत का मसला है। बेटी का हक बनता है वो बाप की लाई हुई चीज को पसंद करे, तरबियत ऐसी कीजिए। बीवी खामत की लाई हुई चीज को पसंद करे, नहीं भी पसंद आई तो ओनू आख भी अल्लाह के बंदे नु तब्दील करके फुला लाया। ऐ केड़ी गल है, तेनू सौदा लैण दा पता कोई नहीं, तू जा ड्यूटी ते शाबाश, तू बुद्धू है तो मैं सियाणी है, मैं जानी है बाजार, बड़ी अकलमंद ना हो। लाओ एक कोई बसन दे सही हदीस पेश करो, रसूलुल्लाह की अजवाज गई हो, सौदा सलफ लेने अकेली गई हो, शॉपिंग के लिए खरीदो फरोख्त के लिए गई हो, तो दलील दीजिए। हम कौन है, हम अहले हदीस हैं, हम अहले सुन्नत हैं, हम किधर हैं, हम ड्यूटी पे हैं, जनानी कितने पे ओ माशाल्लाह ईद की शॉपिंग करने कली बाजार गई, शाबाश तुम्हारे अहले हदीस होने से। रसूलुल्लाह ने फरमाया दयूस बंदा जन्नत अंदर नहीं जाएगा। या रसूलुल्लाह दयूस कौन है, फरमाया जिसकी बीवी, जिसकी बेटी, जिसकी माँ, जिसकी बहन पर्दा ना करे, जड़ी जाके बेपर्दो के बह के दुकानदार ने सौदा तय कर दिया, वो दयूस होता है। فرمایا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين। हदीसे पाक सुनी और मैं अपनी बात खत्म करने लगा। सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका मोहब्बत ना प्यार ना सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका अफीफा कनात अम्मा जी आयशा सिद्दीका सारी कैनात दी सरदार औरतां दे अंदरों अम्मा जी आयशा सिद्दीका सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जदों अपना नाम लिखिया कर दियां हजरत कारी साहब ते लिख दियां अल्लाह दे महबूब दी महबूबा आयशा सिद्दीका वाह आयशा सिद्दीका अम्मा आयशा जदों भी अपना नाम लिख दियां फरमादियां अल्लाह दे महबूब दी मैं महबूबा वा सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका फरमादियां ने मैं इशा दी नमाज नबी पाक पीछे पढ़ी है ते इशा दी नमाज पढ़ा के नबी अलैहिस्सलाम घर वाल चल पे ने मैं कुछ खवातीन बैठियां ने उन्होंने करीब बैठ गई हां गुफ्तगू जारी है इन्हीं असरा के अंदर एक कुरान पढ़ने वाले ने कुरान की तिलावत शुरू की है बड़े प्यारे अंदाज ना बड़ी प्यारी आवाज ना जिमें तुसा भी बड़ी प्यारी आवाज खूबसूरत आवाज कारी सजावल साहब को कुरान सुनया वे अल्लाह इन्हों का सुनाना ते तुहाडा सुनना अपनी बरगाह अंदर कबूल फरमा ले। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमादियां ने मैं कुरान की तिलावत सुनती रही हाँ पढ़ने वाला तिलावत करने वाला
कमाल अंदाज ते लहजे ते आवाज नाल तिलावत कर रहा वे। अम्मा जी फरमांदियां ने मैं सुनदी रही हां, अचानक मेरे ज़हन अंदर ख्याल आया वे आयशा सिद्दीका नबी पाक की दोंदे नमाज पढ़ा के तशरीफ ला गए ने, महबूब अलैहि सलाम तेरा इंतजार कर रहे होंगे। अम्मा जी फरमांदियां ने मैं जल्दी रा उठी ते हुजरे पाक अंदर आई हां। नबी पाक ने आंदियां पुछया वे, फरमाया आयशा सिद्दीका मैं किदों दा नमाज पढ़ा के आ गया ते तू हुण क्यों आई है। गैरतमंद बाप बेटी नूं पुछदा वे, बेटा स्कूलों छुट्टी 12 बजे होंदी है, तू 2 बजे घर क्यों आ रही है, अद्धे घंटे दा सफर है। गैरतमंद भाई होवे ते बहन को सवाल करदा वे, गैरतमंद खामद होवे ते पुछदा वे, गैरतमंद होवे ते पहली गल कल्या जावण नहीं जे देंदा ते जे भेज दे ते फिर सवाल जरूर करदा वे। तवज्जो फरमाना, नबी अलैहि सलाम ने की पुछया है, फरमाया आयशा सिद्दीका हुण आ रही जे ते असीं ते अल्लाह दी रहमत नाल जवान कुंवारी बच्चियां नूं मोबाइल भी लैके दित्ते ने, कदे नहीं पुछया पुत्र मोबाइल ते चेक कराना, यदि ऐसा प्रोफाइल ते चेक करिए ना, मैं क्या करना। गैर महरम जेड़ा है सब तो बड़ा कुंवारी बच्ची दे पास मोबाइल है, जिस जवान कुंवारी बच्ची दे पास मोबाइल मौजूद है वो अठ बंद कमरे अंदर भी पहुंच जावे, उत्थे भी ओदे पास गैर महरम मौजूद है। फितन दा दौर है, अपनी इज्जत बचाइए, गैरत बचाइए, हया बचाइए। और इज्जत गैरत बचाना चाहते हो, जवानी की इब्तदा अंदर ही बच्चे और बच्चियां दे निकाह कर दीजिए, इसी अंदर खैर ते अफीयत दा मामला होवे। नबी अलैहि सलाम दी जय मोहतरमा सईदा अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमादिया, नबी अलैहि सलाम ने पूछा आयशा हुण क्यों आईयां जे, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसा नमाज पढ़ा के आ गए सो, पिछो मैं अंसार दी कुछ खवातीन ना दीगर खवातीन ना बैठी सा ते महबूबा अचानक कुरान दे कारी तिलावत शुरू कीती है, बड़े प्यारे अंदाज नाल पढ़ रिया वे, मैं सुनदी रही हां सुनदी रही हां। महबूबा अचानक ख्याल आया तुसी इंतजार फरमा रहे होवोगे, मैं उठ के आ गई हां। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया आयशा रज़ियल्लाहु तआला क्या कार ये कुरान अजे भी कुरान पढ़ रहा वे, जी जी या रसूलल्लाह अजे भी कुरान पढ़ रहा वे। नबी पाक ने फरमाया आयशा प्यारी उठो फिर दोवे रल के कारी दा कुरान सुनिए, और रफुल यदैन नु सुन्नत समझने वालो, और रफुल यदैन नु सुन्नत मानने वालो, बीवी नु नाल लेके कुरान पाक सुनना भी मेरे महबूब दी सुन्नत है। कदे बीवी नु आख्या करो ना अल्लाह दी बंदी तरावी अंदर जाके कुरान सुनिए, आज दरसे कुरान सुन के आई है, ये भी नबी पाक दी सुन्नत है। तवज्जो फरमाना, नबी सलाम दी प्यारी बीवी अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने असीं उठियां ते अगे वधे आं, जिहड़ी खिड़की मस्जिद नबी वल खुलदी है ओह खोल लई है। नबी अलैहि सलातु सलाम ते मैं अगे वध गए आं, महबूब अलैहि सलाम दे मैं कंधे ते हाथ रख के खड़ी हो गई आं, महबूब अलैहि सलाम भी खड़े ने मैं भी खड़ी आं, कुरान पाक कारी पढ़ी जा रहा वे, असीं तिलावत सुनी जा रहे आं, तिलावत सुन के असीं महसूस हो रहे आं। अम्मा जी फरमांदियां काफी वक्त गुजर चला वे, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया आयशा प्यारी जी या रसूल अल्लाह, फरमाया आयशा जान दिया हो कौन कुरान पढ़ रहा वे, फरमाया महबूब जी मैं तो नहीं जान दी, आज दिया मलंगड़ियां कलंदरियां ते गैब जान दिया ने, लेकिन अम्मा आयशा गैब नहीं जे जान दी। तवज्जो फरमाना, जे अम्मा गैब नहीं जान दी ते कोई मलंगड़ी भी गैब को नहीं जे जान दी, ये सारियां झूठियां दावे करके बैठियां ने, गैब तां सिर्फ मेरे अल्लाह दी जात है। हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम कुल्ला यालमु कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह वमा यशुरूना अय्याना युबासून। आवाज गूंज जाए, अल्लाह सिवा कोई गैब जानने वाला, अल्लाह सिवा कोई गैब जानने वाला, सारी कनात गैब दान कौन है, अल्लाह दी जात है, अल्लाह सिवा कोई नबी गैब नहीं जे जानदा, अल्लाह सिवा कोई नबी गैब उची बोलो, अल्लाह सिवा कोई गैब जानने वाला उची बोलो, गवाही पै जे अकीदा तौहीद ऐलान हो जाए, कोई नबी गैबदान कोई नबी गैबदान कोई वली गैबदान कोई पीर गैब नहीं जे जानदा, कोई मलंग कोई कलंदर कोई मयूब कोई छोटी सरकार कोई बड़ी सरकार कोई सजादा नशीन कोई गद्दी नशीन कोई सब ज्यादा कोई सैयद ज्यादा गैब नहीं जे जानदा, कोई मलंगरी कलंदरी गैब नहीं जानती, गैब सिर्फ मेरे अल्लाह दी जात जानने वाली है। तवज्जो फरमाना, अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक ने पूछा वे आयशा दसो कौन कुरान पाक की तिलावत कर रहा वे, फरमाया महबूब जी मैं तो नहीं जानती, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, फरमाया
प्यारी आशा ऐ मेरे सहाबी हुज़ैफा बिन यमान दे आजाद करदा गुलाम सालम ने ऐ मेरा सहाबी सालम आजाद करदा गुलाम है ऐ वेखो बरादरी दी वजह तो शान नहीं जे मिलदा है आजाद करदा गुलाम है ओहदे ते मनसब ते पैसे दी वजह तो शान नहीं जे मिलदा नबी पाक ने फरमाया ऐ आशा प्यारी हुज़ैफा बिन यमान दे आजाद करदा गुलाम सालम ने नबी अलैहिस्सलाम ने नाल की फरमाया अखां अंदरों आंसू जारी ने ते की फरमा रहे ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ये नहीं फरमाया ये मेरी निगाह दा करम है मोमिन की निगाह में वो तस्वीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी नहीं नहीं ऐ नबी अलैहिस्सलाम भी नहीं जे फरमाया कि मैं नबी दी निगाह वजीए तां शान मिले आवे नहीं नबी पाक ने की फरमाया फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाला फी उम्मती मिसला हाजा फरमाया मेरे अल्लाह इहदे अंदर मेरा कोई कमाल नहीं ऐ अल्लाह सारियां तारीफां तेरियां ने जिन्हें मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दे अंदर कुरान पढ़ने वाले इतनी खूबसूरत अंदाज ना कुरान पढ़ने वाले कारी पैदा कर दिते ने फरमाया यतलु अलैहिम आयातही ताई नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा कुरान सीखना होवे मेरे चार सहाबों को सीखना अब्दुल्ला बिन मसूद कोलो सैयदना सालम रदी अल्लाह तआला कोलो सैयदना मुआज बिन जबल कोलो सैयदना उबई बिन काब दे कोलो ऐ मुकाम ते शान ते रिफत ते बुलंदी मिलदी है कुरान पाक दी वजह तो फरमाया लकद मनल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफी ज़लालिम मुबीन इंशाअल्लाह फिर ईद के खुतबे अंदर बाकी खुतबात जुमा अंदर गुफ्तगू होंदी रहेगी अल्लाह मेरी तुहाडी सलाह फरमा दे मैं तबिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाह अपनी रहमत से तमाम बीमारों को मुकम्मल शिफा अता फरमा या अल्लाह फौतशुदा अहले इस्लाम अहले तौहीद की मगफरत फरमा अल्लाह मेरी इस मजलिस में जिसका बाप जिसकी माँ वफात पा गई अल्लाह कबर को नूर से मुनव्वर कर दे ऐ अल्लाह मोहतरम बाबा जी इब्राहिम साहब के जन्नत में दराजात बुलंद फरमा दे ऐ अल्लाह इस मस्जिद के जितने नमाजी बानियान इस दुनिया से चल बसे अल्लाह आखरत की मंजिलें आसान फरमा दे अदाब कबर से महफूज फरमा ले ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा जाहिर बातिन हर किस्म के गुनाहों को मुआफ़ कर दे ऐ मेरे अल्लाह इबादात में जो अल्लाह सुस्तियाँ होगी रमज़ान मुबारक में अपनी रहमत से मुआफ़ कर दे ऐ अल्लाह जो अय्याम बाकी अल्लाह अपनी रहमत से कसरत से इबादत करने की मुआफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमा दे ऐ अल्लाह तू हमें अपने मुआफ़ करने वाले बंदों में शामिल फरमा दे ऐ अल्लाह जिन बंदों के बारे में तू मुआफ़ी का ऐलान कर रहे अल्लाह हमें उनकी लिस्ट में शामिल कर दे ऐ अल्लाह दुनिया आखरत की मुश्किलें आसान फरमा दे ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं खताकार हैं सबसे बड़े तेरे मुजरम हमी हैं अल्लाह हमें एतराफ़ करते अपनी रहमत से हमें मुआफ़ कर दे ऐ मेरे अल्लाह हमें जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत के दाखिले नसीब फरमा दे अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुक रिज़ा बादल क़ज़ा व बर्दल ऐश बादल موت ولذت النظر الى وجهك والشوق الى لقائك اللهم زينا بزينة الايمان اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ جو بے اولاد نیک صالح نورینا اولاد عطا فرما دے اے اللہ تجھے تیری ذات صفات کا واسطہ ہے اللہ محترم محمود بھائی کو قاری ثناء اللہ صاحب کو اللہ نیک صالح لمبی عمر والے بیٹے عطا فرما دے اللہ جن کی اولاد نہیں اللہ نیک اولاد عطا کر دے اللہ جو بیٹوں بیٹیوں کے خواہش مند ہیں اپنی رحمت سے عطا فرما دے جن کو اولاد دی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے قران کے قاری قران पाक के आलिम बना दे कुरान को समझने वाले अमल करने वाले बना दे अल्लाह इस मस्जिद को रहती दुनिया तक आबाद कर दे अल्लाह हम सब की जैसे मोहब्बत कायम है इसको ता क़यामत कायम रखना अल्लाह जैसे यहाँ इकट्ठे बैतुल्ला के सेन में मस्जिद नबी में रियादुल जन्ना हतीम में और जन्नत में इकट्ठा कर दे अल्लाह दुनिया आखरत बेहतर कर दे अल्लाह महबूब के हाथों जामे कौसर नसीब फरमा दे अल्लाह आपकी सिफात नसीब फरमा दे अल्लाह कुरान सुन्नत को समझने की तौफीक अता फरमा दे कसरत से अल्लाह तू अपना जिक्र करने का महबूब अलैहि
السلام پہ درود پڑھنے کی سعادت نصیب کر دے۔ اے اللہ یہ تیرا گھر تنگی دامہ کا شکوہ کرتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کی وسعت کے لیے، اس کو کھلا کرنے کے لیے انتظامات پیدا فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری اصلاح فرما دے۔ اللہ جو مانگ لیا عطا کر دو، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے دنیا آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر نقصان سے محفوظ فرما۔ اللہم اغننا بالعلم وزینا بالحلم واکرمنا بالتقوی وجمالنا بالعافیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ